काशी जी देखिए हम ध्रुव और तारा को ले आए, दोनों यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा पाए भाग के। एक मिनट चल तारा, ठीक है अगर लोग नहीं ले जहां से गया था तू इसके अलावे हम आओ अपनी माँ को हाथ पकड़ जा। माँ मैं मैंने ही कहा था ऐसी चिट्ठी लिखी इमरजेंसी थी, अर्जेंटली मुझे पेशेंट को देखने जाना पड़ा, तो आप सब लोग सो रहे थे तो डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने से कह दिया कि चिट्ठी लिख दे, तो आई थॉट कि आप खुद ना कुछ समझ जाओगे, लेकिन यह तो चिट्ठी का कुछ और मतलब ही निकाल दिया आप लोगों। तबीयत तो कहीं भी किसी की खराब हो सकती है ना, वो बताकर तो होती नहीं है, और डॉक्टर होने के नाते जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा कर दिया, मुझे जो करना था वो मुझे पता है, जो आप लोगों को सोचना था क्या सोचना था वो आप लोग जाने। मतलब क्या बताना चाहेंगे, चिट्ठी का कुछ चल रहा है? नहीं चिट्ठी का नहीं है, बात ये है कि जब तारा मुझे लेकर जा रही थी किसी औषधि के असर की वजह से, जो मैं उसके पीछे पीछे भागना शुरू हो गया था, पीछे चलना शुरू हो गया था, तो तारा मुझे 17वीं शताब्दी में लेकर जाना चाहती है अपने भाई के उपचार के लिए, जो उनके भ्राताश्री हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके उपचार के लिए वो मुझे लेकर जाना चाहते हैं 17वीं शताब्दी 2023 से। सो वो घबरा गई थी कि मैं अगर कनाडा चला गया तो वो मुझे लेकर नहीं जा पाएंगी, तो उन्होंने इसी बात को थोड़ा सा सोचा, और वो ऐसी है नहीं, लेकिन उनको पूरे रास्ते इसी दौरान ये इस चीज़ों के सोचते इन चीज़ों के बारे में, तो उनको बुरा भी लगा कि मैं गलत तरीके से चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव को लेकर जा रही हूँ अपने साथ, और वो हो नहीं पाता पॉसिबल, वो क्या कहते हैं उस चीज़ को, उस द्वार तक वो नहीं पहुँच पाती, तो वो हम वापस आते हैं, तो जब वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत शोर मच रखा है, लोग घर के सब परिवार के सदस्य हॉल में हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं माँ के दरवाज़े के बाहर, माँ ने अपने आप को खुद को अंदर कमरे के अंदर बंद कर लिया है। एंड फिर क्या होता है कि जब वो तारा प्रिया, जो राजकुमारी तारा प्रिया जी हैं, वो कुछ करती हैं, है तो राजकुमारी राजकुमारी की तरह वो आती हैं सीन के बीच में और मदद करती हैं, एंड वो दरवाज़ा खुलता है, फिर उसके बाद जो बातचीत होती है उसके बाद वो चिट्ठी आती है कि फिर वो तारा प्रिया ने चिट्ठी कुछ और लिख दी थी, और वो जो चिट्ठी जो लिखी उन्होंने तो उसकी वजह से जो बवाल मचा पूरे घर में, सब कुछ तहस महस हो गया इमोशनली, तो किसी के मन में शक पैदा हुआ, किसी के मन में नफरत पैदा हुई, किसी के मन में किसी कुछ कुछ लोगों को मज़ा आया इस सिचुएशन को देखकर, आयशा जैसे लोग हैं जो सी, बट आई फील कि आयशा is anyway very feel you know very sad seeing me with another woman so uska bhi main chapter samajh sakta hu Aisha ka, because Aisha ko bhi aapne jo scene dekha abhi filhal ke episode mein, uske andar maine Aisha ko vaada kiya tha ki main kabhi kisi se pyar nahi karunga, kisi se shaadi nahi karunga, lekin ab wo baat तो हो रही है, और तारा जो तारा के साथ और आयशा देख पा रही है, मैं उसके साथ रहता हूँ, रहता नहीं मतलब कि हूँ, मुझे सामने देखती है, तो वो उसके मन में बहुत सारे शक और बहुत सारे सवाल उठते हैं, और मेरे मन में भी हैं सवाल कुछ तारा को लेकर कि मैं कैसे पहुँच गया उधर, जो मुझे वो लेकर जाएगी जहाँ भी। सो यही था कि फिर माँ जब उन पर हाथ उठाती हैं तो मैं बचाता हूँ उनको, एंड मेरी तरफ से एक थैंकफुलनेस होती है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सीन अभी गए हैं जो आपने देखे हैं नहीं हैं, जो आप देखेंगे। थप्पड़ पड़ने से तो आपने बचा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी माँ को, माँ के मन में अभी भी लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे, तो किस तरीके से उनको कन्विंस करना चाहेंगे? नहीं वो माँ का प्रॉब्लम है, मैंने तो समझा दिया, उनका है कि वो क्या समझ रही है झूठ है सच है। बट अब जैसे आप शो देखते हैं वैसे देखते रहिए, आप विल ट्राई आर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट प्रोडक्ट, एंड सभी एक कलेक्टिव एफर्ट है, सो जैसे आप पहले सपोर्ट करते आ रहे हर मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, वो स्वाति जी हों या फिर
रिया शर्मा हो या फिर नीलिमा सिंह हो या फिर विजय जी हो या फिर गुलफाम जी हो, जैसे आपने सब मेरे को एक्टर्स जितने भी हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको प्यार पिछले शो में भी जो उनके फैंस ने दिए हैं, तो प्लीज़ इस शो में भी आप उतना ही सपोर्ट दीजिए कि ये लंबा चले और आप इस परिवार को लंबे समय तक देखें सोनी सब पर। थैंक यू।